हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं कला एवं संस्कृत में संगीत के घराने का विद्यालय, मतलब जो संगीत का घराना है, विद्यालय है संगीत का, वो कहाँ कहाँ हैं, किस किस नाम से हैं, ये आप लोग को बताने चल रहे हैं। इसमें हमारा है, पहला है सहारनपुर, पहला है सहारनपुर, सहारनपुर घराना, सहारनपुर, सहारनपुर घराना में हम जानेंगे इसके संस्थापक कौन है। सहारनपुर घराना इसके जो है संस्थापक, संस्थापक इसके संस्थापक कौन है, ये हैं खलीफा, खलीफा मोहम्मद जमा। और गायन शैली है, गायन शैली सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर, और इसमें हमारी टॉपिक है संगीत के घराने का विद्यालय, हमारी हेडिंग है संगीत के घराने का विद्यालय। इसमें हम पहले बता रहे हैं सहारनपुर घराना, सहारनपुर घराना के संस्थापक खलीफा मोहम्मद जमा हैं, और गायन शैली है ध्रुपद, उनकी गायन शैली क्या है, ध्रुपद है। दूसरा है, दूसरे हैं सहसखा घराना, सहसखा घराना, सहसखा घराना ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश ग्वालियर में। और इसके संस्थापक हैं, संस्थापक इनायत हुसैन, इनायत हुसैन खान। और इनकी गायन शैली है, गायन शैली ध्रुपद ख्याल। तीसरे नंबर पे है दिल्ली घराना, दिल्ली घराना, दिल्ली घराना को जान ही रहे हैं, दिल्ली में है। इसके संस्थापक कौन है, संस्थापक इसके संस्थापक हैं तानसेन, तानसेन। इनकी गायक, गायन शैली है ध्रुपद, गायन शैली ध्रुपद है। और कुछ लोग मियां अफजल को मानते हैं तानसेन, किसको मानते हैं, मियां अफजल को तानसेन मानते हैं, लेकिन ये मियां अफजल वाले तानसेन नहीं है। चौथा है फतेहपुर सीकरी घराना, फतेहपुर सीकरी घराना, फतेहपुर सीकरी घराना ये जानते हैं, ये फतेहपुर सीकरी में है, पता ही है। इसके संस्थापक हैं, संस्थापक इसके संस्थापक कौन है, जौना खां और जोरावर खां, जोरावर खां, जौना खां और जोरावर खां। और गायन शैली है फतेहपुर सीकरी की
गायन शैली, ध्रुपद और ख्याल, ध्रुपद और ख्याल। पांचवा है ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। जान ही रहे मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है। संस्थापक है, इसके संस्थापक हैं, संस्थापक हैं अब्दुल्ला, अब्दुल्ला खां व कादिर खां, कादिर बख्श। और गायन शैली है, गायन शैली ख्याल गायन, ख्याल गायन। छठवां है आगरा घराना, आगरा घराना, आगरा घराना आगरा में है, ये पता ही है। संस्थापक हैं इसके, संस्थापक, संस्थापक कौन है? सदारंग, सदारंग अदारंग, सदारंग अदारंग। और गायन शैली है, गायन शैली ध्रुपद, ध्रुपद ठुमरी टप्पा, इसमें तीन गायन शैली है। सातवां है किराना घराना, किराना घराना, ये कहाँ पे है? वाराणसी, वाराणसी और कराना में, यूपी में। कराना कहाँ है? यूपी में। इसके संस्थापक हैं, संस्थापक, इसके संस्थापक हैं उस्ताद वंदे अली खां, उस्ताद वंदे अली खां और उस्ताद करीम खां, उस्ताद करीम खां और करीम, उस्ताद करीम खां संस्थापक हैं। इसके दो संस्थापक हैं उस्ताद वंदे अली और उस्ताद करीम खां। और इनकी गायन शैली है, गायन शैली, गायन शैली है ठुमरी, ठुमरी है गायन शैली, ठुमरी और कव्वाली, कव्वाली। आठवां है लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, लखनऊ घराना। लखनऊ घराना के संस्थापक कौन है? संस्थापक लखनऊ घराना के संस्थापक हैं नवाब, नवाब वाजिद, वाजिद अली शाह। लखनऊ घराना के संस्थापक हैं नवाब, नवाब वाजिद अली शाह। गायन शैली है, गायन शैली, गायन शैली है दादरा ठुमरी
दादरा ठुमरी ठप और टप्पा। आगे देखिए भजन, और जो गायक वायक थे भजन, जैसे भजन है ये तुलसीदास, तुलसीदास गाए लिखे हैं या गाए हैं। दसवां है शबद और कीर्तन। शबद और कीर्तन का कौन गाया है? गुरु नानक देव, गुरु नानक देव गाए हैं। 11 नंबर पे है रवींद्र संगीत, रवींद्र संगीत। रवींद्र संगीत कौन गाया है? मतलब कौन लिखे हैं या कौन गाए हैं? रवींद्रनाथ टैगोर लिखे हैं। भजन तुलसीदास लिखे हैं, शबद और कीर्तन गुरु नानक देव लिखे हैं, रवींद्र संगीत रवींद्रनाथ टैगोर। ट्वेल्व है हवेली, हवेली संगीत है। ये पुष्टिमार संप्रदाय, हवेली की शुरुआत जो है कब? हवेली की शुरुआत हवेली से ही पुष्टिमार की शुरुआत हुई है, पुष्टिमार संप्रदाय की शुरुआत हुई है हवेली से। पुष्टिमार संप्रदाय की शुरुआत हुई, संप्रदाय की शुरुआत हुई। पुष्टिमार संप्रदाय की शुरुआत कैसे हुई? हवेली से हुई है, मतलब। 14 है, 14 रॉक संगीत, रॉक संगीत। रॉक संगीत जो है उषा उत्थुप ने लिखा है, उषा उत्थुप। 15वीं है श्लोक गायन, मंत्रोच्चार। ये सामवेद में है, सामवेद में। संगीत के घराने का विद्यालय में आप लोग को बताया, पहला सहारनपुर घराना, इसके संस्थापक हैं खलीफा मोहम्मद जमा। गायन शैली है ध्रुपद। दूसरा है सहसखा घराना, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है, इसके संस्थापक इनायत हुसैन खां हैं। गायन शैली इसकी ध्रुपद और ख्याल है। दिल्ली घराना के संस्थापक तानसेन हैं, ये दिल्ली में है। गायन शैली इसकी ध्रुपद है, गायन शैली क्या है? ध्रुपद है। फतेहपुर सीकरी घराना, फतेहपुर सीकरी में है, इसके संस्थापक जौना खां और जोरावर खां हैं। गायन शैली ध्रुपद और ख्याल है। ग्वालियर घराना मध्य प्रदेश में है, इसके संस्थापक अब्दुल्ला खां व कादिर बख्श हैं। गायन शैली इसकी ख्याल गायन है। आगरा घराना संस्थापक सदारंग और अदारंग हैं। गायन शैली ध्रुपद ठुमरी टप्पा है। कराना घराना वाराणसी और कैराना यूपी में है, ये यहाँ पर स्थित है। कराना घराना वाराणसी और कैराना में, इसके संस्थापक उस्ताद वंदे अली खां और उस्ताद करीम खां हैं। गायन शैली ठुमरी कवाली है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिए, ये अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला है लखनऊ घराना, इसके संस्थापक लखनऊ में है, इसके संस्थापक नवाब वाजिद अली शाह हैं। गायन शैली दादरा ठुमरी टप्पा है। भजन की मतलब लेखक या भजन के जो लेखक हैं वो कौन है? तुलसीदास हैं। शबद और कीर्तन के गुरु नानक देव हैं। रवींद्र संगीत के रवींद्रनाथ टैगोर हैं। हवेली की जो पुष्टिमार संप्रदाय की शुरुआत हवेली से हुई है, हवेली भी एक संगीत है। रॉक संगीत उषा उत्थुप ने लिखा है। श्लोक गायन मंत्रोच्चार सामवेद में है। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।